रक्त यानी कि ब्लड हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रक्त के हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मगर फिर भी रक्त के बारे में कुछ बेसिक लेवल की जानकारियां आप सभी को पता होनी चाहिए। इसलिए कुछ टॉक लेकर आया है आपके लिए एक और नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे रक्त के बारे में और समझेंगे रक्त में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और रक्त का निर्माण किस तरह होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्त हमारे शरीर के हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गेन, हर एक सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाता है। हमारा रक्त हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारा रक्त हमारे पूरे शरीर में हमारी ब्लड वेसल्स, जिन्हें हम कोशिकाएं भी बोलते हैं, इसी के जरिए हमारा रक्त हमारी पूरी बॉडी में मूव होता है। हमारा ब्लड चार मेन कंपोनेंट से बना होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, जो तकरीबन हमारे ब्लड में 40-45% होती है। फिर आता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स, जो बीमारियों और बाहरी इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में लगभग 1% प्रेजेंट होता है। तीसरा ब्लड का मेन कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर में 1% प्रेजेंट होता है, और प्लेटलेट्स हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कहीं इंजरी हो जाती है, ऐसे में प्लेटलेट्स उस जगह क्लॉट बनाकर वहां हो रही ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। और अब लास्ट में आता है हमारा प्लाज्मा। हमारे ब्लड में प्लाज्मा 55-60% प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है, जिसमें प्रोटीन्स, हार्मोन्स और न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में भी मदद करता है। और अगर हम अपने ब्लड को एक सैंपलिंग ट्यूब में डालकर उसे सेंट्रीफ्यूज करें, तो आप देखेंगे कि हमारे ब्लड के सभी मेन कंपोनेंट विजिबल हो जाते हैं, जिसमें नीचे की तरफ RBC और बीच वाले पार्ट में व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आ जाते हैं, जबकि ऊपर की तरफ हमारा प्लाज्मा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन रिच होता है, वो आ जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि हमारा रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे रक्त में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हमारी हड्डियों में, जबकि हमारा प्लाज्मा हमारे लीवर द्वारा बनाया जाता है। सो प्लाज्मा के रिलेटेड हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के विषय में। हमारा ब्लड हमारी बोन यानी हमारी हड्डियों में प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी में जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि थाई बोन और हिप बोन वगैरह, इनमें एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, जिसे हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं। हमारा ब्लड इन बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है। हमारे बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं, जो बहुत यूनिक सेल्स होती हैं, जो खुद को डिवाइड और मल्टीप्लाई करके दूसरी तरह के सेल्स में तब्दील हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट सेल्स और ब्लड सेल्स। हमारे बोन मैरो में दो टाइप की स्टेम सेल्स होते हैं, एक होता है हेमाटोपेटिक स्टेम सेल्स और एक होता है मेसेंकमल स्टेम सेल्स। इसी तरह हमारे बोन मैरो में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेड बोन मैरो, जिसे हम मायोलाइट टिश्यू भी कहते हैं, और एक होता है येलो बोन मैरो, जिसे हम फैटी टिश्यू भी कहते हैं। इसी के साथ हमारे बोन मैरो में टाइनी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो बोन मैरो में प्रोड्यूस होने वाले ब्लड को हमारी बॉडी तक पहुंचाती है। हमारी रेड बोन मैरो में हेमाटोपेटिक स्टेम सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले ब्लड को प्रोड्यूस करती हैं, जिनमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स शामिल हैं। इस प्रोसेस को हेमाटोपेसिस कहा जाता है। हमारे बोन मैरो में हर रोज लगभग 200 बिलियन न्यू ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा अगर हम बोन मैरो के बारे में बात करें, तो आपको बता दें येलो बोन मैरो में मेसेंकिमल स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी बॉडी में स्केलेटल टिश्यू जैसे कि बोन, कार्टिलेज और फैट को रिपेयर और प्रोड्यूस करती हैं। और येलो बोन मैरो में फैट भी स्टोर होता है, जिससे जरूरत पड़ने पर एनर्जी ली जाती है। इसी के साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक न्यू बोर्न बेबी में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो की जगह ले लेता है। इसलिए चाइल्ड के मुकाबले एडल्ट में ज़्यादा येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। रक्त, तो आपको बता दें कि एक एडल्ट मेल में करीब 5.6 लीटर ब्लड, जबकि एक एडल्ट फीमेल में 4.5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी का तकरीबन 7% वेट बनाता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।